नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गुंजन भटनागर है और मैं जीवनदीप चिकित्सालय गोंडा में चीफ IVF कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे पिछले वीडियोस को इतनी अधिक मात्रा में लाइक करने के लिए, और इसी क्रम में इस इनफर्टिलिटी अवेयरनेस वीडियोज़ के क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करना चाहेंगे ट्यूब टेस्ट के बारे में। ट्यूब टेस्ट यानी बच्चेदानी की नलियों की जाँच, तो हम जानेंगे कि किसके लिए की जाती है, इसको करने के क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके के क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं, ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे। तो बच्चेदानी की दो नलियां होती हैं और इन बच्चेदानी की नलियों की जांच उन मरीजों में या उन स्त्रियों में करनी आवश्यक है जिनको एक साल से ऊपर हो गया है बच्चे के लिए ट्राई करते हुए लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा है, और उनमें पहले से कोई ऐसी आशंका है कि ट्यूब्स बंद हो सकती हैं, जैसे कि उनका पिछला कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई पेट का ऑपरेशन हुआ हो या आंतों का ऑपरेशन हुआ हो, या तो उन्हें पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में बच्चेदानी या अंडेदानी की TB हो चुकी हो, या फिर अल्ट्रासाउंड में हाइड्रोसेल्फिंग्स यानी ट्यूब्स की सूजन नज़र आ रही हो, उस केस में हम एक साल के अंदर अंदर या एक साल पूरा होने के बाद ही ट्यूब टेस्ट करने की सलाह देते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप इलाज नॉर्मल तरीके से इलाज करा रहे हैं, जैसे अंडे बनने की दवा ही दी जा रही है, लेकिन 2-3 साल होने के बाद भी वो फेल हो रही हो या इलाज काम नहीं कर रहा हो, तब भी हम एडवाइस करते हैं कि आप अन्य इलाज पे जाने से पहले अपने ट्यूब्स का टेस्ट करा लें। ये ट्यूब का टेस्ट दो तरीके से किया जाता है, एक तो होते हैं बेसिक टेस्ट या तो फर्स्ट लाइन टेस्ट, और दूसरा है जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो लैप्रोस्कोपी द्वारा किया जाता है। जो फर्स्ट लाइन टेस्ट हैं वो भी 2-3 तरीके से किए जा सकते हैं। जो सबसे कॉमन मेथड है वो है HSG यानी हिस्टोसेल्फिंगोग्राफी। हिस्टोसेल्फिंगोग्राफी में बच्चेदानी के अंदर एक डाई के द्वारा चेकअप किया जाता है, डाई डाली जाती है और एक्सरे फिल्म के द्वारा देखा जाता है कि ट्यूब्स खुली हैं या बंद हैं। इसी तरह से एक और टेस्ट होता है जो अल्ट्रासाउंड द्वारा किया जाता है, इसे SSG बोलते हैं यानी सोनोसेल्फिंगोग्राफी। इसमें भी हम एक डाई डालते हैं और अल्ट्रासाउंड के जरिए देखते हैं कि नलों के द्वारा डाई पेट के अंदर आई या नहीं आई। ये दोनों ही टेस्ट फर्स्ट लाइन टेस्ट हैं, इसका मतलब ज़्यादातर मरीजों में सबसे पहले यही टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। इनके फ़ायदे ये हैं कि इन टेस्ट की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों टेस्ट में ट्यूब खुली आ रही हैं तो 100% है कि आपकी ट्यूब्स खुली ही होंगी। लेकिन इनका नुकसान ये है कि इनकी स्पेसिफिसिटी थोड़ी कम है, इसका मतलब कि अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड आई हैं तो फिर वो ट्यूब ब्लॉक भी हो सकती हैं, और किसी वजह से जैसे इन टेस्ट में थोड़ा पेन होता है उस वजह से, या तो हल्का फुल्का कचरा फंसा हो ट्यूब में उस वजह से, या तो किसी और म्यूकस प्लग की वजह से खुली ट्यूब भी बंद आ सकती हैं, या कभी कभी प्रोसीजर सही से नहीं हो पाया हो क्योंकि यूट्रस की पोजीशन ऐसी हो, उस वजह से भी ट्यूब बंद दिखाई देती हैं। तो अगर ऐसा कुछ ट्यूब्स में ब्लॉकेज का समस्या दिखाई दे रहा है इन टेस्ट में, तो फिर हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी फिर कन्फर्मेटरी या तो दूरबीन जांच के लिए जाना पड़ता है। दूरबीन जांच हम उन पेशेंट्स में भी एडवाइस करते हैं जिनमें हमें पहले से ही शक होता है कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे मैंने अभी बताया था प्रीवियस सर्जरी हुई हो, या अल्ट्रासाउंड में ट्यूब चिपकी नज़र आ रही हो, या तो ब्लॉकेज हमें सस्पेक्ट हो रहा हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, उन केसेस में हम पेशेंट को डायरेक्टली लैप्रोस्कोपी की भी सलाह देते हैं। लैप्रोस्कोपी एक दूरबीन जांच है, इसमें हम पतली सी दूरबीन द्वारा पेट के अंदर जाके सीधे आँखों से देखते हैं कि ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं, और इसका फ़ायदा ये है कि अगर ट्यूब्स में कुछ ओपन होने की गुंजाइश होती है तो सर्जरी द्वारा ट्यूब्स ओपन भी की जा सकती हैं। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको जो भी जानकारी मिली हो वो आपके काम आए, और अगर इस तरह की किसी और जानकारी के लिए आप वीडियो के साथ दिए गए नंबर और मेल पर हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।